सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आखिरी रोड़ा भी हट चुका है और निर्भया को इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है। जो आशा जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, रोड़ा भी हट चुका है, आज आखिरी रोड़ा हट गया, फाइनली आज अब उनको फांसी पे लटकाया जाएगा। आज का सूरज हमारे देश के बच्चियों के नाम, हमारे निर्भया के नाम। ये 20 मार्च हम निर्भया दिवस के रूप में, महिला सुरक्षा के रूप में मनाएंगे आज का ये दिन, हमारे देश के बच्चियों के नाम, निर्भया के नाम। सवा 7 साल हो गए एक एक रोड़ा हटाते हुए, किस तरह से, कितनी बड़ी चुनौती रही और रातें कैसी बीतती थी, सपने कैसे आते थे? देखिए, मैं 7.5 साल से संघर्ष कर रही थी, मैं एक एक चुनौतियों को पार करी, आज फाइनली हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि अब थोड़े देर में इनको फांसी पे लटकाया जाएगा, निर्भया को इंसाफ मिलेगा। कितना बड़ा संतोष, कितनी बड़ी संतुष्टि होती है। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो आज देर से ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला आया, आने वाला है थोड़े देर में इनको 2 घंटे के बाद। ये 7 साल में एक माँ के दिल में झांक के देखना चाहते हैं कि आपके सपनों में कभी निर्भया आती थी, और आती थी तो क्या कहते हैं? देखिए, निर्भया से हम इतना अलग ही नहीं हुए इन 7 सालों में कि मैं कभी सपना देखूं और सपना में सोचूं कि हमारी बच्ची कैसे थी। मैं हर रोज हर पल उस दुख को महसूस किया, उस बच्ची को महसूस किया, उसका दुख ही हमारी ताकत बनी, हमारा दर्द ही हमारा संघर्ष बना। आज उसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँची, फाइनली हमारी बच्ची को। बाजू में जितेंद्र जी और सीमा जी। जी, इन लोग लड़ाई तो, असली लड़ाई तो इन दोनों जने ने लड़ी, हमने तो इनको पीछे खड़े होके हमने देखा, लेकिन मेरे पास इनको धन्यवाद देने के लिए सब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन दोनों जने के मेहनत के वजह से, संघर्ष के वजह से जब याचिकाएं खारिज हुई।